नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब सोल्डिंग के बारे में। वेब सोल्डिंग क्या होता है, वेब सोल्डिंग में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और वेब सोल्डिंग में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। इट मीन्स कि अगर आप वेब सोल्डिंग खरीदने जाते हैं तो कौन कौन सा ऑप्शन खरीद सकते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेब सोल्डिंग क्या है। वेब सोल्डिंग इज अ लार्ज स्केल सोल्डिंग प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आर सोल्डेड टू ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। वेब सोल्डिंग एक मशीन है या कह सकते हैं एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लार्ज स्केल सोल्डिंग प्रोसेस करते हैं। सपोज इट हमें रोज कंपनी में हजारों की पीसीबी बनानी है, सेम टाइप के पीसीबी, तो उसके लिए हम वेब सोल्डिंग यूज़ करते हैं या लार्ज स्केल के लिए हम वेब सोल्डिंग यूज़ करते हैं। द नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ वेव ऑफ मोल्टन सोल्डर टू अटैच मेटल कंपोनेंट्स टू द पीसीबी। इसके नाम से ही पता चलता है वेब सोल्डरिंग। इट मीन्स कि मोल्टन सोल्डर का जो सोल्डर मेल्ट हो चुका है उसका एक वेव बनता है, उस वेव के ऊपर से हम पीसीबी क्रॉस कराते हैं और जैसे ही सोल्डर वेव पीसीबी से टच होता है वो वहाँ सोल्डिंग करता है, कंपोनेंट और पीसीबी के बीच में परमानेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसे हम वेब सोल्डिंग कहते हैं। जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, सबसे पहला प्रोसेस है फ्लक्सिंग, प्री हीटिंग, उसके बाद सोल्डिंग वेव, देन कूलिंग। ये चार प्रोसेस हैं और इन चारों प्रोसेस का अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस है। ये चारों प्रोसेस अगर नहीं होगा तो क्या इशू आएगा, या अगर बहुत ज़्यादा कर दिए, जैसे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हमने फ्लक्सिंग कर दिया तो क्या इशू आया, जरूरत से अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हमने प्रेटिंग कर दिया तो क्या इशू आएगा, ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लक्सिंग यूनिट के बारे में कि फ्लक्सिंग यूनिट में क्या करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। टू क्लीन द मेटल ऑफ ऑक्साइड दैट वुड अदरवाइज इंटरफेयर विथ द बॉन्ड बीइंग मेड बिटवीन बेस मेटल एंड द सोल्डर, इट इंक्रीज द वेटिंग एबिलिटी ऑफ द सोल्डर कॉजिंग इट टू फ्लो मोर यूनिफॉर्मिलिटी ओवर सरफेस। इसका मतलब कि फ्लक्स हम पीसीबी से ऑक्सीडेशन को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। पीसीबी के जो पैड होते हैं, जो कॉपर पैड होते हैं या जो कंपोनेंट के लेग्स होते हैं, वो उसमें थोड़े बहुत ऑक्सीडेशन हो जाते हैं। इन ऑक्सीडेशन को हटाने के लिए हम फ्लक्सिंग यूज़ करते हैं। और सेकंड, जो सोल्डर का स्मूथनेस है, जो सोल्डर फ्लो करता है पीसीबी को, उसकी स्मूथनेस बढ़ जाती है। अगर प्रॉपर हमने फ्लक्सिंग किया तो ब्रिजिंग बहुत कम आएगा, क्योंकि जो सोल्डर स्मूथ वहाँ फ्लो करेगा और जहाँ जहाँ सोल्डरिंग के जगह हैं सिर्फ वही शोल्डर पकड़ेगा, बाकी जगह पे शोल्डर नहीं पकड़ेगा। तो अभी फ्लक्स यूनिट क्लियर है। तीन टाइप के सोल्डिंग प्रोसेस होता है, माइक्रो ड्रॉप फ्लक्सिंग, फोम फ्लक्सिंग और स्प्रे फ्लक्सिंग। ये तीनों कहाँ कहाँ यूज होता है और किस टाइप के प्रोसेस होते हैं ये अभी हम देखेंगे, राइट। तो जो माइक्रो ड्रॉप फ्लक्स है वो नॉर्मली हम यूज करते हैं सेलेक्टिव सोल्डिंग में, और वेब सोल्डिंग में स्प्रे फ्लक्सिंग और फोम फ्लक्सिंग यूज करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो ड्रॉप फ्लक्स, इट मीन्स कि पीसीबी के ऊपर हम प्रोग्राम कर देते हैं कि हमें इस लोकेशन पर फ्लक्सिंग करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, वो सिर्फ वहीं पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर वहाँ फ्लक्स करता है टिप टिप, तो वहाँ सिर्फ ड्रॉप मारता है फ्लक्सिंग का। इससे क्या होता है कि पूरी पीसीबी पर फ्लक्स फैलता भी नहीं है और फ्लक्स की कंजप्शन भी कम होता है, तो इसे बोलते हैं माइक्रो ड्रॉप फ्लक्सिंग। ये सेलेक्टिव सोल्डिंग में यूज होता है। एक होता है फोम फ्लक्सिंग और होता है स्प्रे फ्लक्सिंग। फोम फ्लक्सिंग क्या होता है, फ्लक्स का एक फोम बनता है, वेव टाइप का, जैसे शोल्डर का वेव बनता है वैसे ही फ्लक्स का वेव बनता है। उस वेव के ऊपर से हम पीसीबी फ्लो कराते हैं और पीसीबी के नीचे बॉटम में चारों तरफ फ्लक्सिंग हो जाता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है, इसमें फ्लक्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और सारे पीसीबी पे, मतलब अननेसेसरी बहुत ज़्यादा फ्लक्स फैल जाता है, फिर उसको हमें बाद में क्लीनिंग करना पड़ता है। और जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वेब सोल्डिंग में वो चल रहा है स्प्रे फ्लक्सिंग। पीसीबी ऊपर से क्रॉस करती है और फ्लक्सर वहाँ एक नोजल लगा रहता है जो स्प्रे करता है, फ्लक्स का स्प्रे करता है पीसीबी के ऊपर। तो इसमें सिर्फ रिक्वायर्ड, हम फ्लक्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, सिर्फ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ही पीसीबी के ऊपर लगता है और फ्लक्स वेस्ट भी नहीं होता, तो इसका ये एक फ़ायदा है, राइट। जैसा कि डिस्प्ले पे आपको वीडियो दिख रहा है, ये देखिए मशीन में एक फ्लक्स का फॉर्म जनरेट होता है, इसे फॉर्म फ्लक्सिंग बोलते हैं। फॉर्म टाइप का ये जनरेट हो रहा है, इसमें फ्लक्स फ्लो कर रहा है और इसके ऊपर से हम पीसीबी क्रॉस कराते हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर पीसीबी क्रॉस कराएंगे पूरे पीसीबी में बॉटम में फ्लक्स लग जाएगा,
ये देखिए वीडियो से आपको क्लियर हो रहा होगा, ये हम दिखाते हैं माइक्रो ड्रॉप फ्लक्स क्या होता है। ये देखिए प्रोग्रामिंग किया हुआ, नीचे से ड्रॉप ड्रॉप फ्लक्स वो अप्लाई कर रहा है पीसीबी के ऊपर, इसे कहते हैं माइक्रो ड्रॉप फ्लक्स। ये देखिए माइक्रो ड्रॉप फ्लक्स में फ्लक्स हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना प्रिसाइज फ्लक्स हमें पीसीबी के ऊपर देना है। जैसा कि इमेज में दिख रहा है बॉटम साइड से फ्लक्सिंग हो रहा है, ये देखिए कितना कंट्रोलेबल फ्लक्स होता है, फ्लक्सिंग होता है। ये नॉर्मली हम सेलेक्टिव सोल्डिंग में यूज़ करते हैं, राइट। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है बहुत ही प्रिसाइज होता है ये माइक्रो ड्रॉप फ्लक्सिंग। और अब दिखाते हैं हम आपको स्प्रे फ्लक्सिंग कैसे होता है। ये देखिए नीचे एक नोजल है, नोजल मूव कर रहा है पीसीबी के नीचे और वहाँ स्प्रे हो रहा है, आपको दिख रहा होगा फ्लक्स की स्प्रे। ये देखिए तो अब आगे चलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रीहीटिंग पे, प्रीहीटिंग में क्या क्या होता है ये देखते हैं। टू एक्टिवेट द फ्लक्स बाई हीटिंग इट, प्रीहीटिंग क्यों करते हैं, जो फ्लक्सिंग हमने किया है उस फ्लक्स को एक्टिवेट करने के लिए प्रीहीटिंग की जरूरत पड़ती है। अगर बिना प्रीहीटिंग की हम डायरेक्ट सोल्डरिंग करा देंगे तो फ्लक्स अपना प्रॉपर काम ही नहीं कर पाएगा जिसके लिए हमने फ्लक्सिंग किया है। तो फ्लक्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें प्रीहीटिंग की जरूरत पड़ती है, राइट। टू प्रिवेंट सोल्डर बॉल्स बाई ड्राइंग द फ्लक्स सॉल्वेंट दैट वुड अदरवाइज स्पैटर इफ ओनली कंटेनिंग द सोल्डर वेव, इट मीन्स कि अगर हम फ्लक्स को प्रीहीटिंग नहीं कराएंगे, फ्लक्सिंग के बाद डायरेक्ट सोल्डर वेव के ऊपर जाएंगे तो नीचे फ्लक्स क्या होता है, लिक्विड जैसा होता है, लिक्विड लगा हुआ है और डायरेक्ट अगर सोल्डर वेव पे जाएगा उस टेम्परेचर में, टेम्परेचर अप्रोक्स 260-270 होता है, तो उस लिक्विड को डायरेक्ट 260 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो वहाँ स्प्रेटिंग होगा, सोल्डर बॉल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सोल्डर बॉल ना बने इसलिए भी हम प्रीहीटिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीहीटिंग क्यों करते हैं, टू रिड्यूस द थर्मल शॉक टू द पीसीबी फ्रॉम द सोल्डर वेव, थर्मल शॉक से बचाने के लिए हमें प्रीहीटिंग करना पड़ता है। सपोज दैट हमने पहला फ्लक्सिंग किया है तो फ्लक्सिंग में टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है, मान लीजिए 22-25 डिग्री आपका टेम्परेचर है, मैक्सिमम 25-30 लास्ट मान लीजिए आपके मशीन का टेम्परेचर 25-30 है। 30 डिग्री के बाद हमने कोई प्रीहीटिंग नहीं किया, डायरेक्ट उसको शोल्डर वेव के ऊपर लेगा और शोल्डर वेव का टेम्परेचर है 260। तो जब पीसीबी 25-30 डिग्री पे है और 260 डिग्री पे डायरेक्ट जाएगा वहाँ क्या होता है, थर्मल शॉक होते हैं, टेम्परेचर सडनली बढ़ता है तो वहाँ कंपोनेंट ब्लास्ट होने के चांस होते हैं या जो पीसीबी के अंदर ट्रैक है वो ट्रैक ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। तो थर्मल शॉक से बचाने के लिए भी हम प्रीहीटिंग करते हैं ताकि पीसीबी को धीरे धीरे हम 100 डिग्री तक पहले गर्म कर लें, पीसीबी थोड़ा हीट अब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद हम 260 डिग्री पे ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा थर्मल शॉक नहीं लगेगा, ये सेफ साइट होता है, राइट। और नेक्स्ट, टू रिड्यूस द वापेज इशू, अगर बिना प्रीहीटिंग कराए पीसीबी को डायरेक्ट हम 260 डिग्री पे वेब सोल्डरिंग के लिए लेके चले गए तो पीसीबी में वापेज आने के चांसेस बन जाते हैं, तो इस वारपेज से बचाने के लिए भी हमें प्रीहीटिंग कराना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीहीटिंग वेब सोल्डरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फ्लक्सिंग के बाद प्रॉपर प्रीहीटिंग होनी चाहिए। प्रीहीटिंग का क्या टेम्परेचर सेट करेंगे, कैसे करेंगे, ये डिफाइन करता है फ्लक्स। जब हम फ्लक्स खरीदेंगे तो उसके साथ हमें एक डेटा सीट मिलता है, उस डेटा सीट में दिया रहता है कि कितने सेकंड तक कितने डिग्री टेम्परेचर पे हमें उसको प्रीहीटिंग करना है, उस हिसाब से हम कन्वेयर की स्पीड और प्रीहीटिंग का टेम्परेचर सेट करते हैं, राइट। अब देखते हैं कितने टाइप के प्रीहीटिंग होते हैं। प्रीहीटिंग नॉर्मली 3 टाइप के आता है, आईआर हीटर, कैलरॉड और फोर्स कन्वेक्शन। तो ये देखिए फोर्स कन्वेक्शन इज ए कंट्रोलेबल एंड हाईली एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ हीट ट्रांसफर टू द पीसीबी। ये फोर्स कन्वेक्शन हीटर है जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है, ऊपर फैन लगे हुए हैं, बीच में हीटर रहता है और नीचे हम पीसीबी फ्लो कराते हैं, राइट। तो जो भी हीटर हीट प्रोड्यूस करेगा, फैन यहाँ बहुत स्पीड में घूमता है, इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ से एयर प्रेशर नीचे आता है और हीटर की सारी हीट हो जाकर पीसीबी पे डिसिपेट होता है। तो फोर्स कन्वेक्शन जो होता है बहुत ही एक्यूरेट होता है और कंट्रोलेबल होता है, जितना हमने टेम्परेचर उसमें सेट किया है बहुत कम टेम्परेचर लॉस होता है और सारी टेम्परेचर पीसीबी के ऊपर पहुंचता है। सपोज दैट हमने फैन नहीं लगाया, सिर्फ हीटर लगा दिया, जब हीटर हीट जनरेट करेगा तो क्या होगा, 50% हीट ऊपर जाएगा और 50% हीट नीचे आएगा, तो जो नीचे हीट आएगा वो वेस्ट हो गया,
जो सिर्फ ऊपर जा रहा है पीसीबी के ऊपर वहीं यूज हो रहा है। फोर्स कन्वेक्शन में फैन लगाने से क्या फायदा होता है कि फैन की हवा से 80% इसका हीट वो ट्रांसफर होता है पीसीबी के ऊपर, तो इसकी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम फोर्स कन्वेक्शन यूज करते हैं। तो एक टाइप हो गया फोर्स कन्वेक्शन। सेकेंड हो गया कैलरोड। कैलरोड हीटर क्या होता है, जो घरों में नॉर्मली हम यूज करते हैं, जैसे पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं या किसी हीटर में यूज करते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इमेज में, ये कैलरोड होता है। तो ये कैलरोड भी यूज करते हैं प्री हीटिंग के लिए। इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है कंपेयर टू द फोर्स कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है कि 50% हीट लॉस होने का चांस होता है। जैसे ये कैलरोड है, कैलरोड का 50% हीट नीचे वेस्ट हो गया, जो 50% ऊपर गया वहीं यूज होता है पीसीबी के लिए, पीसीबी को गर्म करने में। बट फिर भी कहीं कहीं फोर्स कन्वेक्शन बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम कैलरोड भी यूज़ करते हैं प्री हीटिंग के लिए। नेक्स्ट है आयर हीटर। जैसे ये आयर लैम्प होता है इंफ्रारेड, इसमें क्या होता है, ये देखिए ग्लास का, ये ग्लास का बना हुआ है आयर हीटर। ये नॉर्मली कभी कभी घरों में भी जो रूम हीटर होता है उसमें आयर हीटर यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। तो आयर हीटर भी यूज़ करते हैं प्री हीटिंग के लिए। तीन टाइप के प्री हीटिंग हुआ, आयर हीटर, कैलरोड और फोर्स कन्वेक्शन। तो ये तीनों हीटर हम यूज़ कर सकते हैं पीसीबी प्री हीटिंग के लिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सोल्डिंग पॉट। फ्लक्सिंग कर लिया, प्री हीटिंग कर लिया, उसके बाद अब सोल्डिंग की बारी है। तो एक सोल्डर पॉट होता है, उसमें 400-500 केजी मेल्ट सोल्डर भरा रहता है और उसको मेल्ट करते हैं। सोल्डर मेल्ट करने के बाद मोटर के थ्रू उसे पंप करते हैं और वेव बनता है उसका, जैसे कि ये इमेज में आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए इमेज में, यहाँ ये वेव बन रहा है, सोल्डर का वेव बनता है और इस वेव के ऊपर से हम पीसीबी फ्लो कराते हैं, तो जाके वो सोल्डरिंग होता है, राइट। सोल्डर पॉट में दो वेव होता है नॉर्मली, चीप वेव और मेन वेव। मेन वेव यूज़ करते हैं MI कंपोनेंट को सोल्डरिंग करने के लिए और चीप वेव यूज़ करते हैं SMT कंपोनेंट को सोल्डरिंग करने के लिए। जो SMT कंपोनेंट, जो ग्लूइंग पीसीबी होता है, उसको सोल्डरिंग करने के लिए हम चीप वेव यूज़ करते हैं। अब ग्लू पीसीबी और पेस्ट वाला पीसीबी क्या होता है, ये देखने के लिए चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है। SMT में दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, ग्लू से पीसीबी भी बनता है और सोल्डर पेस्ट से भी पीसीबी बनता है। दोनों के क्या क्या अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये देखिए वीडियो वेव सोल्डरिंग का, ये वीडियो है, ये कैसे फ्लो करता है। इस वीडियो में आपको डिटेल्स में देखने को मिलेगा कि कैसे सोल्डर फ्लो करता है। ऑप्शन आता है नाइट्रोजन। वेब सोल्डिंग में हम नाइट्रोजन भी यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन यूज करने के क्या क्या फायदे हैं, ये नाइट्रोजन कहाँ यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन यूज करते हैं सोल्डिंग प्रोसेस के टाइम, जब भी हमारा पीसीबी सोल्डर पॉट से ऊपर क्रॉस करता है वहाँ हम नाइट्रोजन यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन जितने एरो हैं ये नाइट्रोजन है। आप वीडियो में भी देखिए, ये जो ग्रीन एरो है ये नाइट्रोजन है। यहाँ पाइप के थ्रू हम नाइट्रोजन कनेक्ट करते हैं। और नाइट्रोजन फ्लो, नाइट्रोजन यूज करने का क्या फायदे हैं, डिक्रीज द वेटिंग टाइम। सेकेंड, अप्रोक्स 70% ड्रॉस रिड्यूस। नाइट्रोजन यूज करने से ड्रॉस रिड्यूस होता है, मतलब जो ड्रॉस बनता है वेब सोल्डिंग में वो कम होता है। क्यों, तो सबसे पहले हमें समझना है कि ड्रॉस बनता कैसे। जो भी हमारा सोल्डर फ्लो होता है, और सोल्डर जितना ज़्यादा एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो वहाँ वो राख बनाएगा जिसे ड्रॉस बोलते हैं। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है कि वहाँ से ऑक्सीजन हटाना है। जो सोल्डर पॉट वाला एरिया है, जहाँ भी सोल्डर फ्लो करता है, वहाँ से अगर हम ऑक्सीजन हटा देंगे तो सोल्डर बहुत ही कम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, और जितना कम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा उतना कम ड्रॉस बनेगा, राइट। तो ऑक्सीजन हटाने के लिए क्या करते हैं कि वहाँ हम नाइट्रोजन फ्लो करवाते हैं। सोल्डर के ऊपर अगर नाइट्रोजन फ्लो करेगा तो वहाँ से ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा सा भारी होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन सोल्डरिंग में कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो वहाँ ऑपरेटर उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है नहीं, इसलिए नाइट्रोजन फ्लो कराते हैं ताकि वहाँ उस एरिया से ऑक्सीजन
हट जाए, और ऑक्सीजन जैसे ही कम होगा उस एरिया में, सोल्डर की जो फ्लो है वहाँ अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ड्रॉस वैसे ही बनना कम हो जाएगा। तो ये रीज़न होता है नाइट्रोजन यूज़ करने का। क्लीन बोर्ड आफ्टर सोल्डरिंग, सोल्डरिंग के टाइम उस पर साइनिंग आता है तो बोर्ड क्लीनिंग करने का प्रोसेस हट जाता है। जैसे हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं उस सोल्डरिंग में, जब हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं उस सोल्डरिंग में क्लीनिंग आएगी, थोड़ी सी चमक आती है नाइट्रोजन यूज़ करने से, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है नहीं, ड्रॉस बन नहीं रहा, तो ड्रॉस पीसीबी पे चिपकेगा नहीं, तो पीसीबी थोड़ा साफ आता है। तो ये फ़ायदे हैं नाइट्रोजन यूज़ करने के लिए। अगला बात करेंगे हम फिंगर कन्वेयर के बारे में, कि कन्वेयर में जो वेब सोल्डरिंग का कन्वेयर, उसमें दो टाइप के फिंगर यूज़ करते हैं, एल टाइप और वी टाइप। एल टाइप यूज़ करते हैं अगर हमें पैलेट चलाना है, पैलेट के ऊपर अगर पीसीबी हमें चलाना है तो उसमें एल टाइप यूज़ करते हैं, और पीसीबी अगर हमें डायरेक्ट चलाना है, मान लीजिए हम पैलेट यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट पीसीबी वेब सोल्डरिंग में चलाते हैं, तो उस टाइम हमें वी टाइप के यूज़ करने होते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देखिए, ये ग्राफिक्स में आपको क्लियर हो जाएगा। एल टाइप यूज़ करते हैं पैलेट के लिए और वी टाइप यूज़ करते हैं पीसीबी के लिए, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे सेंटर सपोर्ट के बारे में। वेब सोल्डिंग में सेंटर सपोर्ट आता है, जैसे कि रिफ्लो में सेंटर सपोर्ट होता है, पीसीबी वापस ना हो जाए उससे बचाने के लिए बीच में एक सेंटर सपोर्ट देते हैं। वैसे ही सपोज दैट बिना पायलट के हम सोल्डरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पीसीबी वापस होने के चांस है। अगर बड़ा हमारा पीसीबी है और उसके ऊपर कोई भारी भारी कंपोनेंट, सपोज बड़ा कैपेसिटर है, कोई बड़ा ट्रांसफार्मर है, कॉयल है, तो पीसीबी वापस होने का चांस होता है, तो इसलिए हम बीच में सेंटर सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ऑटोमेटिक सोल्डर फीडर के बारे में। नॉर्मली मशीनों में क्या होता है कि जैसे सोल्डर लेवल कम होता है मशीन अलार्म देती है और ऑपरेटर जाके उसमें सोल्डर डालता है, लेकिन अगर हम ये ऑप्शन खरीदेंगे ऑटोमेटिक सोल्डर फीडर, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही सोल्डर कम हुआ पॉट से, मशीन सिग्नल देगा सोल्डर फीडर को, और सोल्डर फीडर में ऊपर सोल्डर बार ऑलरेडी लगा रहता है, हम क्लिप करके रखते हैं, वो धीरे धीरे बार को फीड करेगा सोल्डर पॉट में। फिर जैसे ही लेवल मेंटेन होगा वापस मशीन अलार्म दे देगा, वापस मशीन सिग्नल देगा फीडर को कि बस रुक जाओ अभी लेवल कंप्लीट हो चुका है। तो हमें जस्ट क्या करना होता है कि जो सोल्डर फीडर है उसमें सोल्डर बार जस्ट हमें हैंग करके रखना होता है, वो फीडिंग ऑटोमेटिक करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, राइट। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, तो ये कुछ ऑप्शन आते हैं वेब सोल्डिंग में। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या वीडियो इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई सजेशन है तो भी आप बता सकते हैं हमें। थैंक्स टू वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।